चर्चा प्रारंभ होत है सुन चीत चीतने बजो राज श्यामा प्राणनाथ सखी जीवन सखी जीवन महामती कहे ए मोमिन भया भयाचर्चा काबख अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत प्रणधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साजी जी तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम राज जी लालदासी के धाम दिल में विराजमान होकर सब घटनाक्रमों का वर्णन करा रहे हैं कल के प्रसंग में हमने देखा कि कैसे मोमिनों ने जो हमारे निजानंद संप्रदाय की राह पर चलकर जो बारह मोमिन धर्मयुद्ध करने के लिए तैयार हुए और कैसे शरीयत के सामने चुनौती दी और सरा तोरा के बादशाह औरंगजेब को और उसके दरबारियों को साथ कैसे धर्म युद्ध किया ज्ञान युद्ध किया कल के प्रसंग में हमने सब मोमिनों की जो कुर्बानी अपना तन मन जीव सब कुछ न्योछावर कर दिया और अपना सब कुछ समर्पण कर दिया ऐसे जो बारह मोमिन बारह हजार मोमिनों की एक न्यू में है सब सुंदर सात के ये सिरोमणि बारह सुंदर सात है तो कल की कुर्बानी हमने देखी और जब श्री ये कुर्बानी के युद्ध में सुंदर सात जी सरातोरा के सामने जब ये क़्यामत संबंधी इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं और क्यामत के साथ निशान भी जाहिर हो चुके हैं ये संदेश देने के लिए जब हमारे मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार में पहुँचे वहाँ कैसे सिद्दीक बोलाद ने यातनाएँ दी कैसे कोड़े से मार मारा और श्री जी ने जब उसको सांत्वना देने के लिए उसका मनोबल दढ़ाने दढ़ करने के लिए जो पत्र लिखा तो पहला पत्र है जो बड़ी पत्री जिसमें हमने सुंदरसा जी कल की चौपाई में देखा कि इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट अविधारियो जी तिनको लीजो धनी की ओट ये सिराज की दया से मिल भेला होएगा साथ तब तुम सब समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ हो। या धाम धनी अक्षरातीत लाल दासी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर सा जी कहला रहे और यहाँ अगली चौपाई में हमने देखा कि इंद्रावती की आत्मा किस तन में बैठी है मिहराज के तन में बैठी है सुन्दरसा जी तो इंद्रावती की आत्मा ने क्या बोला कि हे सुंदर सा जी मेरा कोटान कोट प्रणाम स्वीकार कीजिए और धनी की छाया में आप आनंद मंगल रहिए और दूसरी चौपाई में बताया कि श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ तुम ऐसा मत मानियो कि सब कुछ हम कर रहे हम गए हमने इतनी कुर्बानी की तभी ये काम हुआ ये आप अपना अपना अहंकार या अपनी ही नहीं लेना ये जो भी काम हुआ या काम हो गया या जो होने वाला है यह सब धामधनी की कृपा से हो रहा है और ये भेला होएगा सब साथ ये राज्य की कृपा से ही और बारह हजार आत्माएँ जो मिलेगी ये भी धामधनी की ओकम से ही मिलेगी तब सुख समाधान आनंद होइए धनिए पकड़े हाथ ऐसी सुख समाधान की पत्री भेजकर या बताया कि सुंदर शाह जी तुम बारह मोमिन दरबार में गए हो तो आपने धनी ने आ, अपने हुक्म से इस माया रूपी संसार से निकाल कर आपका हाथ खींच कर आपको बाहर निकाला है अपने आप खुद नहीं पहुँचे हो वहाँ क्या सिख दे रहे धाम धनी क्या शिक्षा दे रहे क्या समझा रहे कि अपने आप खुद नहीं पहुँचे हो मैं तीन दिन पहले भी कह रही थी कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं एक पत्ता हिल रहा है ने हम यहाँ से एक कदम उठा रहे हैं वो भी धाम धनी की कृपा से उठा रहे हैं हम कुछ भी कर नहीं रहे सुंदर साद जी यहाँ धाम धनी ने बताया कि धाम धनी हो के ये संसार सागर एक समुद्र है क्या है एक दरिया है उसमें धामधनी क्या बने मर्जीवा बने हैं और मर्जीवा बनके संसार सागर की दरिया के अंदर गहराई में डूबे और गहराई में से मर्जीवा बनके हमको मोती के रूप में निकाला शिप के रूप में निकाला ये सब कुछ धामधनी के हुक्म से हुआ है हमने कुछ नहीं किया है ये सब तो यहाँ बताया कि आपका हाथ पकड़ा है मतलब आ जिसका हाथ पकड़ते हैं ना धामधनी वही संसार सागर से बाहर निकलते कोई किसी अपना कोई कोई अपना कोई अपना कोई बुरा थोड़ी चाहते हैं सब अपना भलाई चाहते हैं लेकिन कई बार ये काम नहीं होता हमारे से तो ये धाम धनी की इच्छा नहीं है उसका हुक्म नहीं है यहाँ बताया कि उसके हुक्म से हो रहा है तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती की जे है तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले तुम्हारे सुख समाधान की हे मेरे बारह हे सुंदर साथ प्राण के प्रीतम आत्म के आधार जीव के जीवन जीव के उस सुंदर साथ तुम्हें भी वहाँ आंगन मंगल हो तुम उस औरंगजेब बादशाह के दरबार में ये आनंद मंगल की पत्री आप भी लिखते रहियो और शेख बदल के साथ मेरे मेरे पास कामा पहाड़ी में भेजते रहियो तुम सूर दीर पना किया सो तुम जिन जानो कि हम ये हक के शोभा दी तुमको ये हो न बिना हो कम फिर चौपाई में क्या बोला तुम सिर धीर पना किया ये हक के शोभा दी तुम्हें तुमने जो मैं कल ये गुण बताए थे ना कि ब्रह्म सृष्टि के अंदर कैसे गुण होने चाहिए सील, संतोष ज्ञान वैराग्य त्याग कुर्बानी बलिदानी ये गुण अंदर होने चाहिए तो जैसे आपके अंदर जो कुट कुट कर गुण भरे हैं ना ब्रह्मात्मा के अंदर ये भी शोभा ये गुण की शोभा भी आपको धनी ने दे रखी है अपने आप अपने अंतस्करण से पवित्र होकर कोई धर्मशास्त्रों से अपने आप अपनी इच्छा से ये गुण आपने नहीं अंदर प्राप्त किए हैं यहाँ क्या बताया ये शोभा भी आपको धनी ने दी है देखो इस संसार में तीन प्रकार के बताए सृष्टि जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि वैसे कतेब की भाषा में बोला आम खास और खासल खास बताया साधु संतों की वाणी में जीव हंस और परमंस बताया तो यह बताया कि तुम ब्रह्म सृष्टि हो और तुम इतनी बड़ी शोभा इस संसार में दी है कोई छोटी सी शोभा है कलम ने चौपाई देखी थी ना कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को क्या बोला तीसरे चरण में तुम तो पूरे संसार को मुक्ति देंगे तुमसे ही पूरे संसार की मुक्ति होने वाली है ये कोई छोटी शोभा नहीं है आज यहाँ को मान लो कि इंद्र को स्वर्ग की शोभा मिली ने कि वहाँ जनसंख्या बढ़ती बढ़ती जब 33 करोड़ की हुई तो उसकी प्रशासन करने की जो शोभा मिली इंद्र को तो वैसे भी एक इंद्र भी वहाँ शोभा पाकर कितना अपना गर्व प्राउड लेते मतलब ये पूरी जनसंख्या की शोभा मेरे को मिली लेकिन ये स्वर्ग कहाँ तक रहेगा नैमितिक प्रलय तक रहेगा और उसके आगे जाइए तो ब्रह्मा विष्णु और महेश उनको भी शोभा मिली पालन पोषण और सहार करने की जो परमात्मा के हुक्म से उसकी इच्छा से तो वो भी कहाँ तक रहेगा प्राकृतिक प्रलय तक रहेगा महतत्व तक तो तीसरे प्रलय में भी सब नाश होने वाला है वहाँ की चार प्रकार की मुक्ति भी बताई लेकिन कितने देर दिन तक रहेगी कितने सालों तक रहेगी जब हमारा पुण्य बैंकुट तक तो हमने प्राप्त किया है वो हम जब भोग लेंगे वो क्षीण हो जाएंगे तब फिर हम यहाँ आएंगे ये मृत्यु लोक में फिर आगे जाइए तो नारायण को कहाँ तक की शोभा मिली है जब महाप्रलय होगा तो पांच तत्व तीन गुण चौदह लोक सब नाश हो जाएंगे और नारायण को भी पता नहीं मैं किसके स्वप्न में हूँ तो सुंदर साहद जी ये भी अक्षर के मन के स्वप्न के स्वरूप है वो भी कारण प्रकृति मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी तो कहाँ तक कि उसकी कहाँ तक तो के महाप्रलय तक ये शोभा रहेगी और उसके आगे अक्षर ब्रह्म मान लो कि वो भी एक अक्षर ब्रह्म भी राज्य के ही एक सत्ता के स्वरूप है वो एक किशोर वही भी किशोर स्वरूप है स्वरूप एक लीला दोई तो सुंदर शाह जी वो भी राज्य के दीदार के लिए रोज सुबह चांदनी चौक में आते हैं धामधनी ने वाणी में बताया कि नूर जमाल के दीदार को इताव नूर जलाल तो उसको भी राज्य के हुक्म से ही शोभा मिली है आज हम वही अक्षरातीत के माहौल में वही दरगाह में लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं और हमको कितनी बड़ी शोभा दी है ये भी धाम धनी इतने चरण में बताया कि ये शोभा भी मेरे हुक्म से मूली है आप अपनी खुद ही मत लेना आप एक श्वास ले रहे हो ने और बाहर निकाल रहे हो ने, वो भी धामधनी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है यह आगे बताया हके ये हो ये ना बिना हुक्म ये धाम धनी के हुक्म के बिना इतनी बड़ी शोभा सुंदर साजी शक्य नहीं है ये काम बहुत बड़ा हुआ अंजू भासिया न तुम्हारे मन तुमको हल्का लगते बात बड़ी मोमी न ये काम बहुत बड़ा हुआ हे मेरे बारह सुंदर साथ हे मेरे शिरोमणि सुंदर साहब तुमने औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके बहुत बड़ा कार्य किया है छोटा कार्य नहीं है आपने शरीयत को चुनौती दी है इतना ही नहीं जो उसके पिताजी शाहजहां तो उस समय में तो हिंदू का नाम भी नहीं लेते थे और हिंदू का सुबह को मुख देखते थे तो भी सिर कटवा देते थे आज वही दरबार में जाके अपना थाना थाप दिया अपना मंदिर बना दिया इतना ही नहीं पूरे संसार में आपकी गाथा गाई जाएगी और जो आने वाले समाज में आने वाले संसार में समाज के सभी लोग आपकी महिमा का गुणगान गाते रहेंगे तुमको हल्का लगत थे तुम्हारे मन ऐसा लगता है कि हमने एक छोटा सा कार्य किया है नहीं नहीं ये छोटा कार्य नहीं है आपने बहुत बड़ा ये धुना धुन साहेबी है जिसकी कौन है ये सको की वासना इतनी बड़ी गद्दी पर सिंहासन पर बैठी है इतनी स सत, बड़ी सत्ता है उसके पास इतना नहीं उतना बड़ा धन है उसके पास इतना नहीं इतना बड़ा सैन्य है उसके पास और पूरे हिंदुस्तान के ये राजा है बादशाह है उसके सामने आपने चुनौती दी है ये बात बड़ी मोमिन है सुंदर शाह जी आपने बहुत बड़ा काम किया है अब तुम इन्हें जैसे ओय के बैठे इन इंदर थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंदिर अब तुम इन्हें इन जैसे ओय के यहाँ से जितनी गरिमा लेकर जितनी बढ़ाई आपकी जितनी बड़ी गरिमा है बढ़ाई है आपकी महता है वैसे ही वहाँ रहना है देखना आप वहाँ जाके आपका आचरण आपकी रहनी आपसे ही तो मेरी शोभा है राज्य क्या कह रहे हैं आपसे ही तो मेरी शोभा है वहां जाके आप ऐसा व्यवहार करोगे तो मेरी शोभा ही क्या रहेगी आपसे तो मेरी गरिमा बनी है तो वहां जैसी मेरी बुजुर्गी है ने वैसी वहाँ शोभा बना के रखना है इतना नहीं पेठे ही अंदर अरे आप तो उस घर तक लाल किले में कहाँ बैठे है लाल किले में बैठे उसके घर तक उसके घर में थाना था है इतना ही नहीं में थाना मेहंदी का थापिया जो बादशाह इमाम मेहंदी के लिए तड़प रहा है मतलब इमाम मेहंदी को खोज रहा है उसका खोजने का तरीका अलग है कैसे खोज रहा है वो हिंदुओं के मंदिर ढाए रहे मतलब मंदिर गिरा रहे हैं और जो हिंदू मंदिरों की मूर्तियां है वो तोड़वा रहा है तोड़कर कर सीढ़िया में भी उसको वहाँ जड़ा रहा है तो यहाँ बोला कि भाई तुम ये जो बादशाह ये इमाम मेहंदी की ही खोज में है ये इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके ये क्या जाहिर हो चुकी यही बड़ा संदेश आपने उनके दरबार में दिया है और बैठे इनके मंदिर उसके घर में जाके बैठे हो अब तुम्हारो तेज दिन दिन चढ़ता जाय बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों में पहुँचा अब तुम्हारा तेज हे सुंदर जी तुम्हारे अंदर का तेज तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारी जो रहनी और आचरण की जो तुम्हारी गरिमा बनी है ये दिन दिन ये रोशनी बढ़ती जाएगी ये तेज दिन दिन बढ़ता जाएगा और इतना ही नहीं दिन बढ़ता जाए बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों में पहुंचाए और तुम्हारी महिमा तुम्हारी रोशनी तुम्हारा प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा सो चोट पहले बचाइए पीछे घाव मारो पीठ मरो न सके गांध को लड़ न सके क्यों ये कर सो चोट पहले बचाइए सुंदर जी यहाँ जो सात निशान की बात कही है उसमें से जो एक दाभातुल का एक पेटा निशान है सुअर की चोट से बचना सुअर मतलब सुअर जो होता है वो सुअर की चोट से बचने की यहाँ बात कही कि सो पहले चोट चोर से बचाइए पीछे घाव मारो पीठ पर पहले उसके प्रहार से आपको बच जाना है जो आप जो भी कहें तभी आप जी हजूर कहना हाँ जी हजूर बस वैसे ही मुल्ला को काजियों को वैसे ही बुलाना है पहले वो जो बात करे तो बस आपको उसके चरणों में गिर जाना है पहले प्रहार नहीं करना है उसकी बातों में पहले प्रहार नहीं करना है यहाँ सुअर की क्यों बताया जी सुअर के जो गले में संध का जो यहाँ जोड़ होते हैं वहाँ बताया कि एक ही हड्डी होती है जब हम पहली चोट से बच जाएंगे तो दूसरी चोट जब वो मारने के लिए जाएगा तो उसकी कांध को मरो नहीं सकेगा मतलब जब हमारो हमारे को मौका मिलेगा अवसर मिलेगा तो बाद में हम दूसरी चोट में उसका दिल हम जीत लेंगे तो यहाँ बताया कि मारो पीठ पर मरो न सके कांध को सुवर दोबारा अपनी कांध को मरो नहीं सकेगा लड़ ना सके क्यों ये कर वो तुम्हारे सामने प्रहार नहीं कर सकेगा तीस वास्ते तुम इन सो छले करना जूद तीस वास्ते ऐसा लिखा बस न वो न बिना बुद्ध तेस वास्ते तुम इन सो छले करना तुमको क्या करना है चतुराई पूर्वक बुद्धिमत्ता से काम लेना है छल से युद्ध करना है धामधनी ने वानी में बताया ने चौपाई में कि तुम आए छल देखने भील गया माहे छल तुम आए छल देखने भील गया माहे छल छल को छल न ला गई वो लेहरी वो जल बताया कि ये लोग छल कपट वाले हैं, उसके साथ छल से युद्ध करना है छल वाले लोगों के साथ छल से मतलब आप कपटता पूर्वक नहीं धोखेबाज की तरह नहीं लेकिन चातुर्यता से बुद्धिमत्ता से अपनी बुद्धि से काम लेना है और तीस वास्ते ऐसा लिखा बस न हो ये बिना बुद्ध में इस इसलिए ऐसे में आपको पत्र में पहले से मैं सावचेत कर रहा हूँ कि आपके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है क्या ज्ञान है जागृत बुद्धि का ज्ञान है आप जागृत बुद्धि के ज्ञान से उसके साथ लड़ना है अपनी यहाँ की सपने की बुद्धि से कोई काम बनने वाला नहीं है इनके गुलाम वही के तुम करियो उत्काम ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दिन इस्लाम इतना ही नहीं बताया कि इनके रुचते ना कैसा जैसा बाजा बजे ने वैसा ही निरत करना है क्या बताया जैसा बाजा बजे वैसा ही निरत करना है वहां जो ये लोग मान लो शेख इस्लाम का जी या रिजवी खान जो नदी के अधिकारी है ने वो जितना पूछे जितना बोले बस उतना ही जवाब देना है ज़्यादा आपको और आगे जाना ही नहीं है और इतना ही शांतिपूर्वक इतना चतुराई से काम लेना है और आगे भी बताया इनके गुलाम वो के एक पहला इतना ही समझ लो कि ब्रह्मात्मा कभी भी ग़ुलाम होती नहीं कभी भी ब्रह्मात्मा इस संसार में किसी की ग़ुलाम किसी की सेवक किसी की लेबर नहीं होती धामधनी ने यहाँ क्या सीख दी है क्या समझाया है कि सुंदर जी तुम विनम्रता से काम लेना है कैसे विनम्रता ही महानता की पहचान है विनम्रता ही ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है तुम्हारे अंदर शालीनता होनी चाहिए विनम्रता होनी चाहिए शिस्त होना चाहिए अनुशासन होना चाहिए तुम्हारे अंदर जो गुण होने चाहिए ना, तो यहाँ बताया कि तुम इतना नम्र बन जाओ शुक्र गरीबी सब्र धामधन बताया है ना हमारे गुण को भी कि मोमिन कैसी होएगी बोला बताया कि मोमन मोमिन कैसी होगी बताया कि वो अंदर से इतनी कोमल होगी विनम्र होगी वो शालीनता भरी भाषा से बोलेगी तो यहाँ गुलाम का मतलब शालीनता बस सालिनता से ही काम लेना है वास्ते दिन इस्लाम तुम एक दिन इस्लाम एक निजानंद संप्रदाय की राह पर आपने जो कुर्बानी की है तो ये राह को और तेजी से आगे बढ़ाना है तो आप वहाँ विनम्रता से काम लो पीछे तो तुम बुद्धवान हो खिजमत के भाई कई भात दिखायो रंग वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग पीछे तो तुम बुद्धवान हो तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो चतुर हो होशियार हो तुमको बहुत कहने की जरूरत नहीं है तुमको तो बस इशारे भी काफी है क्या बताया तुमको तो इशारे भी काफी है लेकिन यहाँ बताया खिजमत के कई भात दिखाई और रंग उसकी सेवा खिजमत मतलब उसकी सेवा करनी है जो भी आपको पूछे चर्चा के विषय में सनंद के बारे में कुरान अधीक्षों के बारे में तो आप जी अजूर करके उसको जो भी सिपारे का पूछे जो भी आयतों का पूछे तो आपको शांति से समझाना है जब समय मिले आपको अवसर मिले तो वचन चोखा कहियो आपको समय मिले तभी इस बस स्पष्ट भाषा में स्पष्ट शब्दों में उसको बोलना है वहाँ डरना नहीं है जिन भात हमको याकिन दिया सी मेहराज त्यों हम रसूल दिखाए के यो करे इस्लाम का काज वहाँ ये बोलना है कि हमारे हादी ने जो एक खुदा ताला एक अल्लाह ताला पर जो ईमान दिया है वैसा ही हम काम करेंगे और इतना ही नहीं आप बोलना कि जो हम रसूल दिखाए के यो करे का इस्लाम का काम आपको भी हम खुदा ताला रसूल जो खुदा ताला अल्लाह ताला का संदेश ये रसूल मोहम्मद पैगंबर लेके आए थे वही बात तो हम करते हैं आप जो एक अल्लाह ताला, खुदा ताला की जो लाहू तर से अजीम की बात करते हैं वही बात तो हम करते हैं कि हम भी परम धाम से एक अक्षरातीत एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेकिन यहाँ भाषा का वेद है और जो तुम जाहिर ने लगो गोश्त उन्हें तो डिग ना आवे तुम्हारे बड़ा दोस्त होवे इनसे उसको यह भी समझाना कि भाई तुम मार के हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हो ये तुम्हारा तरीका गलत है आप ऐसा मत कहियो आप ऐसा मत करियो आप ऐसा करो आप हमारे चरणों में उसको आने दो हम भी उसको अपने कुरान से अपने हदीसों से अपनी आयतों से हम ला इल्ला, इन मोहम्मद रसुल्ला का कलमा समझाएंगे तो भले हमारे हिंदू है लेकिन ये इस्लाम धर्म में शामिल गए इतना नहीं लेकिन आप क्या करोगे आप मार के ज़बरदस्ती से मुसलमान करोगे और हिंदू में से इस्लाम में आप परिवर्तन करोगे और इतना ही नहीं आप गोश्त मतलब जो गायों का मांस खिलाएंगे तो ये मांस खिलाने से ज़बरदस्ती से ये धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे उसको ऐसा करो कि हम शांति से उसको समझाएंगे तो सुंदर सा जी यहाँ पत्री में जो लिखा है ने ये सब सिख क्या दे रहे हैं शिक्षा किसको दे रहे हैं अभी हम सब सुंदर सात को कि अभी चालू वर्तमान में भी क्या क्या चल रहा है सुंदर साजी और आपको कैसे रहना चाहिए आपका आचरण कैसा होना चाहिए आपकी कैसी रहनी होनी चाहिए अभी भी शरीयत का ही तो युग चल रहा है अभी कर्मकांड का तो युग चल रहा है अभी आडम्बरों का तो समय चल रहा है तो आपको कैसे सावुचेती से ये कदम उठाना है तब रसूल ऊपर आकिन के सब कोय तब फुरमाया क्यों ना करे आवे हुकुम तले सब कोय तब रसूल ऊपर आकिन तो आपके रसूल आपके खुदा ताला पर हमारे हिंदू भी विश्वास लाएगे तब फुरमाया क्यों ना करे तो आपकी बताई राह पर ये मोमिन क्यों नहीं चलेंगे पक्का ये सही में वास्तविक स्वरूप की जब पहचान कर लेंगे तो सही में वही राह पर वो चलेंगे हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से तब भी हमें यो कहिया पर वो बात ना सुने हमने पहले भी आपके अधिकारी आप ये बता देना क्या बता देना कि हमने सबसे पहले शेख सुलेमान से भी मुलाकात की थी लेकिन उसने ये संदेश तुम्हारे तक नहीं पहुंचाया है पीछे तुम निकालोगे हटे ना कोई पीछे सब दौड़ेंगे आपे से पेठने इस्लाम में और आगे भी बताया कि पीछे तुम निकलोगे हटे ना कोई पीछे ये एक बार जो हिंदू एक बार हम जब कलमा से समझाएंगे या नहीं समझे तो समझेंगे तो हम वेद की मतलब हिंदू भाषा से समझाएंगे तो वो भी यकीन लाएंगे सब दौड़ेंगे आपे से अपने आप ही खुद ईमान लाके सब ये दिन इस्लाम की राह पर दौड़ेंगे पहले इस्लाम में ये भी वही इस्लाम है हम खड़े उन पर सब तुम चाहत दिन मोहम्मद का बड़ी करत तलब ये भी वही इस्लाम है हम खड़े उन पर सब ये भी एक शांति का ही धर्म शांति की ही राह है दिन इस्लाम मतलब शांति की ही राह और निजानंद संप्रदाय मतलब एक शांति की ही राह एक शांति का ही मार्ग खड़े उन पर सब हम भी वही राह पर चल रहे हैं सो तो सब हिकमत से रास हो ये धाम धनी की कृपा से ये सब काम होगा आपको इतनी जल्दी उतावले करने में ये काम नहीं होगा और बहुत कह के, के मता न जानो तुम थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम या फिर श्री जी मोमिनों को भी कह रहे हैं और पत्री में सुंदर शाह जी ये भी सीख दे रहे हैं ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि वहाँ जब जब समय मिले तो क्या क्या करना सुंदर शाह जी ये भी सीख दे रहे और यहाँ मोमिनों को बोला ये चौपाई में क्या बोला मोमिनों को कि सुंदर शाह जी बहुत कह के, के मत न जानो तुम ये दरबारियों के सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है क्या बोला ज़्यादा बोलना उसके सामने ठीक नहीं है थोड़ी कम बातों में समझाना थोड़ा थोड़ा करके समझाना ज़्यादा एक साथ आप बात करेंगे तो आपकी मतलब गरिमा भी नहीं रहेगी आपकी महता भी नहीं रहेगी थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम इसी जी के रहे कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं पत्री से व्यवहार करता रहूँगा पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास अपना भी भेष राख के काम करने की थी आस पर एक बात बड़ी हुई क्या काम बड़ा हुआ या मोमिनों को क्या पत्री में लिखा कि सुंदर शाह जी तुम बादशाह के दरबार में गए होने तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है क्या आपने भेष बदला है हिंदुओं का छोड़कर एक फकीरों का जो वेशभूषा धारण की ने यह बहुत अच्छा काम किया है कोई बात नहीं उससे हिंदू से डरना नहीं है क्योंकि हिंदू लोग तो लाज मर्यादा शर्म ये सब में ये संसार पूरा बंधा हुआ है आपने तो ये लोक लाज मर्यादा शर्म ये सब तोड़ दी है मतलब ये सब को आपने ठोकर लगा दी है लेकिन जो आप अपने हिंदू वेश में गए होते तो ये हमारा पात्रा सुनने वाला नहीं था तो एक काम तो आपने बहुत बड़ा किया है और काम करने की थी आज स हाँ मेरे को श्री जी बोल रहे हैं कि मेरे को तो यही इच्छा थी कि आप हिंदू वेश में ही जाके काम कर लो लेकिन क्या करें धामधनी के हुक्म मूल स्वरूप का यही हुक्म नहीं था तो सुंदर सा जी धामधनी कोई ये समय नहीं है थोड़ा इस हिसाब से चलना पड़ रहा है एक बात बताऊँ ये कोई सवा तीन सौ साल पहले की बात नहीं है अभी की है धामधनी क्या बता रहे आपको भी कई बार ऐसे कर कर्मकांडी ऐसे सरियत के मानने वाले ऐसे जब आडम्बरों को मानने वाले लोगों के बीच में जाना होता तो क्या करना पड़ता उनका रुचता नाचना पड़ता है कई बार भैया एक दिन बोल रहे थे कि क्या करें हम तिलक लगाते कुछ कई बार माला नहीं पहनी होती तो कोई भी ये भी पूछ लेते कि भाई तुमने तिलक क्यों नहीं किया है मतलब तुमने माला क्यों नहीं पहनी है समझ में आया ये पत्री कोई सवा तीन सौ साल पहले सुंदर साथ को सिर्फ नहीं समझाई है अभी पर यह हमारे पर ही तो घटित तो हो रही है अभी वर्तमान में यही तो लीला घटित तो हो रही है तो सुंदर सात जी आपको इनका रुचता नाचना मतलब जहाँ जाओ जैसे स्थान है बस आपको तो सिर्फ सुंदर साथ को देखना है क्या करना है सिर्फ सुंदर साथ को देखना है कि उस दिल में हमारी परम धाम की निस्बत बैठी है तो उसको बस कैसे मैं भाव से प्रेम से रिझाऊँ बस उसका रुचदा नाचना मतलब उसको बिचारी को तो पता ही नहीं है वास्तव में सही क्या है उचित क्या है अनुचित क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है ज्ञान क्या है अज्ञान क्या उच्च उस उस बिचारी को तो ये पता ही निर्णय करने का उस बिचारे को पता नहीं है हमको तो समझ है ना तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके बस उस हिसाब से हम रहेंगे बस उस हिसाब से वो हम कल का भी एक घटनाक्रम घटाने जब हम गए थे यमुना नगर में तो सुंदर साथ ने क्या बोला कि दीदी ऐसी बात तो हमने कभी भी सुनी नहीं थी ठीक है हम भी ये कार्यक्रम करवाएंगे हम भी ये करेंगे तो यहाँ धनी अभी वर्तमान की भैया ये लीला बता रहे सवा तीन सौ साल पहले की ये बात नहीं है उसका तो माध्यम बनाया है इस माध्यम से हम सम सुंदर को समझा रहे हैं कि भले वेश बदलना पड़े भले, भले आपको कई अलग अलग बातों से समझाना पड़े लेकिन आप क्या करें उनका रुचता नाचना है ये बेचारे को जब सुधी होगी ये बेचारे को जब पता लगा लगेगा कि नहीं वास्तव में तो वो सही था तभी वो बेचारे पश्चाताप करेंगे और अपनी राह पर वो भी चलने लगेंगे तो यहाँ ये बताया सुंदर शाह जी तुम हिंदुओं के भेष से जिन करो शरम पहले तुम सिर भानिया शरम का तुम जानती मरम तुम हिंदुओं के भेष में क्या बताया करो शर्म भूले तुमने हिंदुओं का बेस छोड़ना पड़ा और मुस्लिमों वाला बेस बदलना पड़ा इस बातों से आपको शर्म करनी आपको लज्जित होना आपका सिर नीचा करना भले यहां ये यह करना पड़े लेकिन परमधाम में किसका सिर ऊंचा होगा परमधाम में किसका सिर ऊंचा होगा जो मोमिनों ने सीने से मतलब सिने देखा कर मतलब ऐसे बलपूर्वक जो काम लिया है यहां वही मोमिनों का सिर ऊंचा होगा बोलते ने, धाम नियम ऊंचू के जो पवाड़ा पर आतम मोजार तो वहां किसका सिर ऊंचा होगा ये धाम धनी सब बातों हमको सिखा रहे हैं कि सुंदर सा जी वैसे ही आपको तुम सिर भानिया शर्म का तुमने तो पहले लाज मर्यादा सिर सिर मतलब कटवा दिया तुम पहले ही मुर्दे हो गए हो कलम ने देखा ने पहले आप मुर्दे हुए, सब दुनी करी मुर्दार हक़ तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के, पर तो पहले ही आपने तो क्या किया है आप हो ही नहीं संसार में संसार की ओर मर गए हो और धनी की ओर जीवते हो और संसार के जीव कैसे हैं वो माया की ओर जीवते हैं और परमात्मा की ओर मरे हुए हैं उसको तो बिचारे को पता नहीं है तुम जानती है मरम ये सब बातों का आपको पता है मैं ज्यादा स्पष्टीकरण करना नहीं चाहती हूँ तीन कांड वेदांत के वल्लचार्य के मत शंकराचार्य ने कही क्या कहिया क्या कहिया गीता में इत तीन कांड वेदांत के वैसे ज्ञान कर्म और उपासना ये बताया है ना तीन कांड वेदांत के और वल्लभाचार्य के मत वो तो वल्लभाचार्य जी के मत जो राधा मार्ग मत में भी ये बात कही है शंकराचार्य ने भी कहिया आदि शंकराचार्य ने भी यही बात कही है कि भाई जाति वेश भूषा ये उसकी लाज मर्यादा कोई रखनी नहीं है कहिया गीता में भी इत और कहाँ कहाँ ये साक्ष्य लिखी है गीता में भी ये बात लिखी हुई है नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर तब ओएंगे शर्मिंदे तुम करो चर्चा कर। और क्या बताया नबी नारायण की सनंद मान लो कि तुम्हारे सामने कोई हिंदू आए तुम्हारे सामने कोई हिंदू आए तो उसको कैसे समझाना कि भाई तुम्हारी पहुंच तो नारायण तक की है तुम तो यहाँ नारायण को ही परमात्मा मानकर बैठ गए हो और नारायण का तो जब महाप्रलय होगा तो नारायण तक तो कुछ बचेने वाला नहीं है और एक परमात्मा के नाम पर और अलग काल्पनिक तैतीस करोड़ देवी देवता की भी ऐसे जड़ पूजा तुम कर रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं है कि परमात्मा एक है तो यहाँ क्या बताया नबी और नारायण जैसे हिंदू आए तो वैसे समझाना है और क्या बताना कि भाई हम तो एक अक्षरातीत एक पूर्ण ब्रह्म को मान रहे जो पूर्ण मद पूर्णमिदम पुना पुणात्म पूर्णस्य पुना पूणस्पुणमादाय पूर्णमेवा शिष्यते तो वैसे ही परमात्मा का धाम को हम मान रहे और आप तो एक परमात्मा के नाम पर कई काल्पनिक पूजा कर रहे हो जड़ पत्थर पानी आग की तो यहाँ जो कोई मुस्लिम आपके पास आए तो उसको समझाना कि भाई तुम एक खुदा ताला के नाम पर यह शरीयत और कर्मकांड सरियत और तरीकत की ओर में आप इतना हत्याचार कर रहे हो तो वैसे समझाना कि तुम्हारे नबी कौन थे रसूल तो ये भी एक खुदा ताला, एक खुदा अल्लाह की पहचान कुरान में करवाई है तो आप एक कुरान में खुदा ताला, अल्लाह ताला को छोड़कर आप भी फकीरों में मजारों में आप भी पड़े हो तो देखो नबी और नारायण की सनंद वैसे ही समझाना है तब तब मोह पर शर्मिंदे तब, तब ये लोग क्या हो गए नीचा कर देंगे कि नहीं सही में तो वो वास्तविक तो तो उस जो बता रहे वही है तब वो शर्मिंदे हो, हो गए और अपना सिर नीचा आपको शर्म या लज्जित होने की जरूरत है। नहीं है। ये लोग शर्मिंदे हो गए तुम सिर ऊंचा देखियो नीचा देखो तुम जो तुम पर एक दोस्त बदले तो दावा लेते तुम सिर सिर ऊंचा देखियो अपने को कैसे रखना है ऊंचा रखना है आपको लाज मर्यादा शर्म की तो कोई पड़ी ही नहीं है बस आपके साथ तो कौन है पल पल अक्षरा तीत है अब तो तुम बार हो तुम मिलसी बारह हजार अभी तो तुम बारह हो और आने वाले टाइम में बारह हजार मिलेगी तुमको आप चिंता मत कीजिए यहां बताया कि और आवे तुम्हारे ताबे तुम्हारे होएगे तुम ही वो सिरदार हो सब तुम्हारे चरणों में गिरोगे क्यों तुम बारह हजार की न्यू में तुम हो और आगे बताया तुम ही वो सिरदार तुम ही सिरोमणि हो बारह हजार के जैसे हमारे पुखराज पहाड़ परमधाम में रंगमोहल की नॉर्थ उत्तर दिशा में साढ़ा चार लाख कोस की दूरी पर पड़ता है तो वो जैसे एक आठ पेड़ पर खड़ा है ना पुखराज हमारा आठ पेड़ पर खड़ा है सुंदर साहद जी तो आठ पेड़ वो उसकी एक नींव है पुखराज की एक नीव में वो है तभी उस पर जो पुखराज की चांदनी तक की जो शोभा बनी है वैसे ही तुम बारह हज़ार की नींव में हो तो तुमको कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है तो तुम हम और ठोर आए के मारे मोर्चा फेर लड़ाई करे जाल को सो फेर आवे दूसरी बेर तो हम और थोर जाए के तो क्या करो जो आपकी आज्ञा हो सुंदर साद जी राजी श्री जी क्या पूछ रहे हैं देखो एक दूसरे से विचार विमर्श करके पत्री के माध्यम से कैसे पत्री के माध्यम से एक दूसरे से विचार विमर्श कर करके कांजी भाई या शेख बदल के माध्यम से पत्री भी पहुंचाते हैं और बोलते हैं कि आपकी आज्ञा हो सुंदर जी या धामधनी भी हमको पूछ के काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि हम धामधनी को पूछ रहे है धामधनी जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसे देखो यहाँ कोई अंतराय कोई बीच में भेद नहीं है वो भी हमको पूछते हैं कि भाई क्या करना है आप जो आज्ञा दो तो हम ऐसा करें आगे और राजाओं को मैं जगाऊ राजा ने मलोरे राणे राय तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो नींदनी गोड़ी छोड़ो इस किरण कल भैया गाएंगे। तो सुंदर साह जी बताया कि आपकी इच्छा हो तो आगे में मोर्चे में मतलब ये लड़ने के लिए राजाओं के साथ कैसा युद्ध करना है मैंने बताया था कोई तलवार कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं ज्ञान का युद्ध कैसा युद्ध ये ज्ञान का धर्म युद्ध छेड़ रहे हैं तो यह बताया कि तुम जो आज्ञा करो तो मैं आगे जाऊँ लड़ाई करे सो फिर आवे दूसरी बेरो आगे जो ऐसे मायावी जीव के साथ संसार के जीव के साथ मैं एक दज्जाल जो अज्ञानता रूपी दज्जाल उसके अंदर बैठा है उसके साथ मैं लडूंगा और उसके अंदर जो विश्वास आएगा तो वो भी हमको मदद रूप मतलब सहायक बनेंगे ये औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए सो भी इस वास्ते सुल्तान नदियाँ कान एक तो नज़र ऊपर की दूजी बात उनकी ना पहचान सुंदर जी तुम गए तो सही वहां मेरे आदेश का आपने पालन भी किया लेकिन बादशाह ये बात को क्यों नहीं माना तभी उस टाइम अभी समय नहीं हुआ था ये बात तो पक्की है लेकिन और दूसरी बात बताई सुल्तान ने दिया काना क्योंकि सुल्तान ने ध्यान से क्यों ये बात को यह संदेश को क्यों नहीं सुना यह संदेश को क्यों नहीं माना कई संदेश हमने पहुंचाए ने शेख सलेमान से लेकर आशाजीत वकील से पूरे शुरुआत हुई वहाँ से लेकर शेख सलेमान से और कई नजदीक के दरबारियों के माध्यम से गुसल खाने में रुक के चौटार के चिपका के और इससे आगे इमाम के द्वारा मुलाकात करके बताया कि बहुत हमने कोशिश की बहुत प्रयास किया लेकिन क्यों नहीं सुना अपनी साहेबी अपनी सत्ता अपना अपना पद और अपनी सैन्य के जो अहंकार में ऐसे नशे में चूर थे उसने संदेश को सुना भी सही लेकिन उसने फिर अंदर से विचार को परिवर्तन कर दिया कि अभी मैं जो ये बातों को मान लूँगा कि नहीं सही में तो इमाम मंदी जाहिर हो चुके हैं क्यामत के निशान भी जाहिर हो चुके हैं जो मैं ये बात को मान लूँगा तो सरियत का शासन समाप्त हो जाएगा और जो मेरी दुनाधुल दुन साहेबी है उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा और एक तो ऊपर की नज़र उसकी नज़र कैसी थी वैसे तो शरीयत के तो पक्के थे वो दिन में पांच बार नमाज भी पढ़ते थे उसकी ऐसी थी कि एक नींबू को मतलब एक कुएं पर चादर बिछा के एक नींबू रखकर वैसे वहाँ नमाज पढ़ते थे उस इतना उसके अंदर एक आत्मबल था ऐसा नहीं था लेकिन नज़र कैसी थी शरीयत और कर्मकांड के ऊपर की नज़र थी तो दूजी बातों ने की ना पहचान उसको अंदर की आत्मदृष्टि खुली नहीं थी और बाहर के अर्थ में मेहंदी ईशा दाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल लो सब विराट में हो ही जाएगा सब हाथियों के खरियान में ये जुद होवे तब उसको क्या डर था सुंदर सा जी के कुरान में निशान लिखे थे सात निशान इसमें लिखा था कि भाई इमाम मेहंदी आएंगे, रूहल्ला आएंगे, जबराइल असराफील आएंगे, और आगे के निशान भी हमने देखे कि तब क्या होगा तब बताया कि लोहू सब विराट में वही जाएगा लड़ेंगे तलवार से बड़ा युद्ध होगा दारुण वो कैसे ये लड़ेगा बहुत बड़ा युद्ध होगा और युद्ध में ये जाहिरी बातों को लिया नंगजेब बादशाह ने और युद्ध में क्या होगा तो बहुत जो युद्ध करने वाले हाथी पर बैठे होंगे और बहुत बड़े ये हाथियों का मतलब हाथियों के झुंड के झुंड वहाँ मर जाएंगे उसमें बहुत रक्त निकलेंगे उसकी रक्त की नदियाँ बहेगी उसको क्या डर था डर उसको उसने जाहिरी बातों को लिया था ने तो उसको ऐसा लगा कि ऐसा जब ईस्ूहल्ला इमाम मेहंदी वसरा लाएंगे तो ऐसा होगा और ना दाना पानी घास रहेगा ना कछु रहेगा तीस वास्ते इनको औरत उपलो जानतना ही खास ना दाना पानी घास रहेगा तो उसके बाद खाने के लिए नहीं दाना रहेगा अनाज रहेगा नहीं पीने के लिए पानी बचेगा तो ये सब उपली उपली बातों को उसने हदीसों से समझा लेकिन बातूनी मायना यही था सुंदर साहद जी कि रूह रूहल्ला और इमाम मेहंदी इस संसार में प्रगट हो गए कि आमद के समय तभी क्या दारुण युद्ध होगा कि जिस ये उसके अंदर जो अग्नता रूपी जीवों के अंदर जो दज्जाल बैठा है तो ये कैसे बैठा है तो हमारे अजा, अंदर जो सितर हज़ार नाड़ियाँ बताई है रक्तवाहिनी जो बताई है सुंदर साज जी तो नारियों के अंदर हम जैसे विकार एक अंदर अंतस्करण में जो संस्कारों के हिसाब से जो विकार है तो ये विकार के गुण नारियों की रक्तवाहिनी में भी अंदर पसार होते रहते तो यहाँ ये यह बताया कि सितर हजार जो नारियों में विकार भरे हैं ये भी जब रूह रूहल्ला और इमाम मेहंदी आएंगे तो अज्ञानता रूपी दज्जाल का नाश होगा और यहाँ बताया कि न दाना पानी घास मतलब ये विकार ही नष्ट हो जाएगे तो अंतस्करण कैसा बन जाएगा पवित्र बन जाएगा कोई विकार अंदर कोई अवगुण बचेगे नहीं तो खाना दाना पानी घास मतलब अंदर का कोई विकार भी नहीं रहेगा ये बादशाह ने क्या बात ली उपली उपली बात ली तेज से और आदमी मोए देखे तीन माफक तो क्यों करावे मान आगे क्यों कर कर क्यों कर करे सक जैसे और आदमी और उपली नज़र क्या थी उसने मेरे को एक आदमी माना है एक सामान्य एक सामान्य जैसे एक संसार में व्यक्ति कोई मानव होते हैं वैसे ही मेरे को एक आदमी माना है उसने मेरे स्वरूप की पहचान नहीं की है क्योंकि उपली नज़र होती तो अंदर की पहचान नहीं होती तो उपली नज़र से मेरे अंदर जो खुदा ताला अल्लाह ताला की जो आवेश शक्ति बैठी है ये उसने पहचाना नहीं है इसलिए उसके अंदर संशय रहे भ्रांतियाँ रही उसने पहचाना नहीं और संदेश को नहीं माना और कहू नजर तीन जिन करो ना बैठक की जो बंध तुम्हारी बात छिपी ना रहे बड़े ठोर मिल हुए अंध और कहूँ नजर जिन करो अब तुम क्या करना है ब्रह्म सुष्टिया हे मेरे बारह सिरोमणि सुंदर साथ तुम्हारी नजर वहाँ से कहीं भी इधर उधर लेके जानी नहीं है बस उसकी नज़र तले ही रहना है उसके हुक्म तले ही रहना है बैठक की जो बंध क्या बताया आप जो चर्चा चितवनी सत्संग और वहाँ जो भी आप कुरान हदीसों और जो भी वहाँ धर्म चर्चा हो रही है ये आपस में आपकी बैठक बंध नहीं करनी है ये किसको शिक्षा दे रहे हैं सुंदर जी ये किसको सिख दे रहे धाम धामधनी हमको कि ये सुंदर जी आप जय कहीं भी रहो आप घर में रहो संसार में रहो परिवार सगे संबंधी के बीच में रहो या कोई आश्रम मंदिर या कोई भी जगह आप रहो लेकिन वहाँ आपकी सुरता कहाँ रहनी चाहिए धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में उसके स्वरूप के स्वरूप में उसके सिंगार में डूबे रहना चाहिए और ये भी बताया कि कहीं भी बैठो आपका आपके मुख से बस राज्य की ही बैठक राज्य की ही बातें होनी चाहिए इसलिए बताया कि मोमिन बातें करे धाम की जहाँ तित्त भई भिस्त और दुनी बातें करे दुनी की वहाँ भई दोजक मोमिन जहाँ बैठेगी न वहाँ क्या बातें करेगी परम धाम की वहां क्या बन जाएगी खिलवत मोमिन जहाँ बैठेगी ने वहां बातें करेगी क्या परम धाम की परम धाम के पच्चीस पक्षों की राज्य की मूल मिलावा की उसके जुगल स्वरूप के स्वरूप सिंगार की वस्त्रों की आभूषणों की तो वहां क्या बन जाएगी एकांत बैठक खिलवत बन जाएगी और संसार के जीव क्या करेंगे ये संसार की बातें करेंगे तो उसके लिए वो दो जग मतलब नरक बन जाएगा नरक कोई नीचे पाताल में नहीं है यहाँ धाम धनी ने बताया कि कहीं भी जाओ बस राज्य की बातें करो किसी को ब्रज से समझाओ किसी को राज रास से समझाओ किसी को धाम से समझाओ और हमारे निजानंद संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों से समझाओ कि कितने दिन हमारे छः दिन की बातें करो या तीन ब्रह्मांड की बातें करो या ब्रज रास और जागनी की ऐसे हमारे चार लीला है ब्रज रास जागनी और जागनी रास की धाम की बातें करो तो यहाँ क्या बताया बैठक ना की जो सबको शिक्षा दे रहे कि सुंदर शाह जी माया भी संसार में रहते रहते भी आपके मुख से जी का ही खाते पीते उठते बैठते आपके मुख से क्या निकलना चाहिए राज जी के ही वचन निकलने चाहिए राज जी के बिना अपने मुख से कुछ भी निकलना नहीं चाहिए तुम्हारी बात छिपी ना रहे बड़े ठोल मिले हुए अंध क्या बताया तुम सत्य की राह पर चल पड़े होने तुम्हारी बात छिपी नहीं रहेगी भले आज आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा गुट थोड़ा छोटा सा है हमारे पास ज्ञान तो बहुत है मतलब वो ज्ञान कर्मकाडी आ वाले लोगों के पास नहीं है अभी आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है व्यथित दिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े स्थानों में बैठे हुए लोग क्या बताया उसके अंदर आत्मिक दृष्टि क्या बताया चोखा बता दीजिए सुंदरसा जी बता दीजिए बता दिया धाम धनी ने कि बड़े ठोर मिले हुए अंध ये लोगों की बाहरी भौतिक नेत्र है लेकिन अंदर का आत्मिक चक्षु नहीं है अपनी सत्ता अपने पद अपने धन और अपने अनुयायियों के बल पर जो अपने अंदर एक अहंकार लेके बैठे हैं लेकिन आपके पास क्या धन है ये अखंड का ये अवलौकिक आपके पास प्राण ना जी की वाणी का जो सत्य ज्ञान है परम सत्य जो ज्ञान है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है ये कर्मकांडी ये आडंबरी लोगों का आपके पास कोई बस चलने वाला नहीं हाँ इतना जरूर याद रखो कि वहाँ जाओ उनका रुचता नाचियो बोलिए ऐसी प्राण किसको सिख दे रहे भैया क्या तीन सौ साल पहले की बात है ये के, कब की बात है भैया ये ये आज की बात है सुंदर सा जी जरा तुम मन में दग दगा लियाओ जी न ये लड़ाई है वचनों की सो कर ली ले आ न जरा तुम मन में दग दगा मतलब अंदर जरा भी संशय न रखो जरा भी दुखी ना हो और बताया कि वो तुम जी न ये लड़ाई है वचनों की आपको कोई तलवार के या कोई भाले बरछी से करना नहीं है वचनों से युद्ध करना है बताया ने सोर शबद बानन का सुन से सुन के सब ओसी जहर या आपके अंदर ऐसा अवलौकिक ब्रह्म ज्ञान सुनकर कल लीला घटित हुई ना उसने बताया ने कि ऐसा तो हमने कभी भी सुना नहीं है ये तो हमारा द्वार खोल दिया आपने तो हमारे अंदर जो मुंदे हुए द्वार थे ये अभी तक तो हमने ऐसी बात सुनी भी नहीं है तो हमने बोला कि कोई कहने वाले भी आए नहीं है तो कैसे आप सुनो हम आए ही पहली बार है यहाँ क्या यमुना नगर में तो यहाँ यही बात बता रहे कोई दूसरी बात हो? नहीं है सो कर ले आकी न आपको बस विश्वास से काम लेना है एक वचन हर्जी के कहे मैं दस बे लागू चरन जब लागो आयो तब उठाई की मरण सुंदरसा जी पहला क्या करना उसकी पहली चोट से बच जाना शरियती लोगों के पास और कुछ ज्ञान है नहीं उपला उपला ज्ञान है पहली चोट से बच जाना हम क्या करते उसका सुनते नहीं अभी थोड़ा कुछ बोले नहीं सीधे प्रहार कि नहीं पहले क्या करना बेटा पहले उसकी चोट से क्योंकि हमको तो लड़ाई उसके बीच में करनी है बोलिए सी प्रार्थना समझ में आया हमारी तो लड़ाई उसके बीच में है या बताया सुंदर साथ जी तुम क्या करना जैसे मैं हरजी व्यास का प्रमाण दिया जूनागढ़ का ठीक है कि वहां दो महीने तक श्री जी ने सुना क्या सुना भागवत के वचनों से चर्चा फिर जब एक हीरे के मंदिर की चौरासी लाख योजन का जब मंदिर की बात आई तब तो श्री जी ने बोला कि किसका ठिकाना है ठीक है तो यहां भी ये बताया कि ये लोग जैसे मैं अरजी व्यास को जी हजूर जी हजूर दो महीने तक मैंने पहले उसकी सुनी है या शरीरियती कर्मकांडों की कर्मकांडी लोगों की तम, तुम्हारों को तुमको पहले सुननी ही पड़ेगी बाद में जब आपको मौका मिले अवसर मिले तभी आपको प्रहार करना है सीधे प्रहार करना नहीं है जैसा बाजा बजे तैसा ही फिर बोला जैसा बाजा जैसी परिस्थिति जैसे वहाँ के माहौल बने हैं उसके अनुकूल ही आपको नीरत करना है वहाँ बाजा कुछ और बज रहा है आपका नीरत कुछ और चल रहा है तो आपका काम बनेगा नहीं क्या होगा जो विचार हम लेके गए हैं जो सोच हम लेके गए हैं वो काम बनेगा नहीं तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होए तब चित्त दे इन्हों सुने और तुम पर अनेक आवे सोया तब उन्हें दया उपजे बाद में क्या होगा तुम पर यह विश्वास लाएगा पक्का क्योंकि उसके पास भी कुरान की वाणी है इतना ही नहीं उसके अंदर बैठी है कौन आत्मा परम धाम की सबको बोलिए परम धाम की सकुमार बाई की आत्मा ये थोड़ी दुख देगी हम मूल मिलाव में मूल किस्बत की संबंध से हम तो पास में ही बैठे हैं ऐसे थोड़ी दुख दे देगी और ये अपने अधिकारी दरबारी लोगों को भी कुछ नहीं बोलेगी तो आपको कोई डरने की जरूरत तब चित्त देने सुनो और तुम पर अनेक आवे सोय जब आप इतना करोगे ने तो हज़ारों हिंदू लोग भी आपके चरणों में आएंगे इतना नहीं लेकिन ये मुस्लिम लोग भी आपके चरणों में आएगा सुंदर या हिंदू मुस्लिम की सवा तीन सौ पहले की बात साल सवा तीन सौ साल पहले की बात है आज भी हिंदू और मुस्लिम हम ही है समझ में आया मुसलमान किसको कहते पता है जिसका ईमान मुसल की तरह है। मुसल मतलब एक दृढ़ ईमान एक अक्षरातीत पर एक प्राणनाथ पर जो ईमान लाएगा ने और उसको छोड़कर फिर बाद में अंदर संशय करेगा बताए न धाम धनी ने इतना मता तुमको दिया जानत हो सब दिल बेशक इल में ना समझो तो सहूर करो सब मिल मैंने आपको इतना मता मतलब अवलौकिक धन दिया दिया है आप ना समझो ना तो बीच बैठ के सहूर कर लो मतलब आप ले करो चर्चा की और कोई आपको वास्तविकता का पता ना लगे तो आप दूसरे से पूछ लो ठीक है और यहाँ क्या बताया कि मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है हिंदू कौन है तो कि हिंदू कर्मकांडी है और मुसलमान एक अक्षरातीत एक खुदा ताला एक अल्लाह ताला परिमा मेरी बात समझ में आ रही है मैं स्पष्टीकरण करूं पूरी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ समझ में आ रहा है कि जो एक खुदा ताला एक अल्लाह ताला पर जो ईमान लाएगा ना वो ही सच्चे मुसलमान हैं वो सही में मुसलमान है बाकी तो घर में वाणी पधराई है मंदिर में वाणी पधराई है और मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि वाणी को छोड़कर सेवा हम वाणी की करते मंदिर में और वाणी को छोड़कर पुराणों की हम गाथा गाते हैं तो हम मंदिर में वाणी क्यों पधराई है हम धाम धनी के साथ क्यों छल कर रहे हैं हम घर में भी पुरानी पधरा दे ठीक है मैंने बताया था ना एक दिन तो मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है जो एक अक्षरातीत पर ईमान लाएगा वही सच्चे मुसल जाहरी मुसलमानों की मैं बात नहीं कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है जो अपने एक वेशभूषा से मुसलमान का जो दावा लिया है कि हम ही मुसल माने तुम काफिर हो ये बात नहीं कह रही हूँ मैं ये बात हमारी है ये श्री जी ने उसका आधार लेकर प्रमाण लेकर बताया कि एक अक्षरातीत को छोड़कर आप अनेकों को मानेंगे और अनेकों की पूजा करेंगे तो आप सही में मुसलमान नहीं हो मुसल ईमान दृढ़ ईमान एक ईमान एक पक्का ईमान अक्षरातीत पर जो ब्रह्म सृष्टि रखती है वही मुसलमान है यहां यही बताया सुंदर साथ जी और मोर्चे की तलाश में मैं भेजू तुम्हारे पास या भेजू खुद पे आए करे बात और मोर्चे की तलाश में मैं भेजू तुम्हारे पास जो मैं ठोर यहाँ वहाँ रह करूँ तो तुम्हारा उपराला क्यों हो भीर श्री जी बार बार पूछ रहे हैं कि सुंदर साथ जी तुम्हारी जो इच्छा हो ने तो मैं और आगे मोर्चे के लिए जाऊँ और राजाओं को जगाऊ और जो मैं यहाँ ही बैठा रहूँगा कामा पहाड़ी में ही बैठा रहूँगा तो आपका ऊपर आला मतद सहायता मदद कैसे हो पाएगी एक ही जगह बैठने से कोई काम बनने वाला नहीं है क्योंकि और आगे कई आत्माओं को जगाना है क्योंकि हमारी बारह हजार आत्माएँ अलग अलग देश में अलग अलग भेष में अलग अलग बोली में ये अलग अलग जाति वेशभूषाओं में उतरी है तो एक जगह बैठ के कोई काम बनने वाला नहीं है और तुमको कहने को वो वे इसकी थोरा तीस वास्ते विचार के सीता पत्री लिखियो और अंतिम में श्री जी सुंदर साह जी तुमको कोई कहने की जरूरत हो मेरे को तो आप क्या करो शेख बदल और कांजी भाई के माध्यम से आप पत्री लिख के भेजो मैं आपके पास बस इतना ही हुक्म मांग रहा हूँ क्या इतना ही आदेश मांग रहा हूँ कि आपकी इच्छा हो तो मैं आगे मोर्चे के लिए तैयार हो जाऊँ और लड़ने के लिए आगे जाऊँ और तीस वास्ते विचार के सीता पत्री लिखे और इस, इसलिए मैं ये पत्री लिख के भेज रहा हूँ कि आपको भी जल्दी सीता भी मतलब जल्दी आपको भी कोई भी विचार उठे आगे क्या करना है कैसे करना है और कैसे काम लेना है जो भी विचार उठे तो आप भी जल्दी से पत्री लिख कर मेरे को बताइए मेरे को सावचेत कीजिए और इतना ही मेरे को वहाँ पत्री के माध्यम से शेख बदल और कांजी भाई के माध्यम से मेरे को माँ सूचित कर देना आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन पर क्या करे हक को यही मन गमता है मन आज मैं भी श्री जी क्या कह रहे हैं अंतिम में जाते जाते कि मेरा भी मेरी भी इच्छा नहीं है कि भाई मैं कामा पहाड़ी में बैठा हूँ आप बारह मोमिन औरंगजेब बादशाह के दरबार में हो तो मेरी भी इच्छा नहीं मैं आपको ऐसी हालत में ऐसी परिस्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं लेकिन क्या करूं लेकिन क्या करूं मैं भी सोच रहा हूं कि हक को यही गम था लेकिन ऊपर मूल स्वरूप की मूल मिलावे से यही प्रेरणा मेरे दिल में अंतस प्रेरणा हो रही है कि मेरे को आगे जानना पड़ेगा जाना पड़ेगा तो यहाँ अंतिम में बताया तो हमारा क्या चलत भया के महामत कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे तो हमारा क्या चलत जो मूल स्वरूप ने ही आदेश कर दिया हुक्म कर दिया तो हमारा यहाँ कोई बस चलने वाला नहीं है तो आगे की तहकी इसलिए निश्चित हो गया है महामत कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे महामती यहाँ सुंदर साहद जी धाम धनी अक्षरातीत वल्लभ महामती के धाम दिल में बैठकर लालदास लालदासी के धाम दिल में विराजमान होकर के रहे कि सुंदर जी और हकीकत और भी छोटी पत्री में कुछ थोड़ी कुछ अंश बाकी रहे उसको छोटी पत्री क्यों कहा गया ये पहली जो पत्री है बड़ी पत्री उस लिए इसको इसलिए कहा गया कि उसमें श्री जी ने जो सुंदर को सिखापन देने के लिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए इतना नहीं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक सौ इक्यावन चौपाई में जो पत्री लिखी उसको बड़ी पत्री कही गई और जो दूसरी छोटी पत्री इसलिए कही गई कि उसमें जो सुंदर साथ को ये बड़ी पत्री में जो कुछ कुछ अंशों तो लिख दिए लेकिन कुछ कुछ अंशों जो बाकी रहे वो छोटी पत्री में शामिल किए और जो सुंदर के पत्र फिर आए अलग अलग जगह से तो ये पत्रों का भी कुछ अंश उस छोटी पत्री में शामिल किए इतना ही नहीं वो पत्री की आ, अपेक्षा ये पत्री में आ, आ, एटी एट 88 अट्ठासी चौपाइया है सुंदर सा जी इसलिए उसको छोटी पत्री कहा गया तो छोटी पत्री में क्या धामधनी बता रहे है? ये हम दस पंद्रह मिनट बीस मिनट में जो है देख देखिए सुंदर साथ जी ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर ये समाचार सुनियो हे मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी आप मेरी बात को सुनिए ये समाचार कुछ सुनिए क्या तो बोल रहे सुंदर साथ की ओर से सिद्धपुर सूरत मेरता उदयपुर से जो पत्र आए हैं वो पत्र में क्या लिखा है से साथ बदल भाई के लिख कर कहे वचन पाती भी लिखी त विद करो तो रोशन साथ भाई बदल के सिख बदल भाई के साथ में ये पत्री जो जो समाचार सुंदर साथ की ओर से आया है ये मैं शेख बदल भाई के माध्यम से पत्री के माध्यम से मैं भेज रहा हूँ क्या भेजा सुंदर साथ जी उसमें हम थोड़े ही रूपों में देख ले क्योंकि और शिक्षा और शिक्षापन धाम धनी ने बड़ी पत्री के रूप में हमको बहुत सी दे दी है यहाँ क्या बताया कि औरंगजेब बादशाह ने हमारी बात को क्यों नहीं माना तो फिर यहाँ भी ये यह रिपीट किया कि उसकी साहेबी बहुत धुना धुन थी उसकी सत्ता एक हिंदुस्तान की पूरी सत्ता मिली थी उसका पद भी आज हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे थे इतना ही उसके पास बहुत बड़े सैन्य भी थे तो उसने हमारी बातों को नहीं माना है और आगे बताया कि सुंदर जी क्यों नहीं माना ऐसे धर्मशास्त्रों की भी कई साक्षियाँ उसमें दी है क्या शिक्षा दी है साथ जी के यहाँ बताया कि जैसे पहले छूत अछुत के जो समय थे उस टाइम पे ब्राह्मण लोग शूद्र को गायत्री मंत्र नहीं सुनाते थे वैसे ही ये कर्मकांडी मुसलमानों ने या शरीयत को मानने वाले मुसलमानों ने अपना जो संदेश को भी नहीं सुना है इतना ही नहीं अपने वचनों को नहीं माना है इतना ही नहीं और क्या बताया आगे कि वैसे उसने कुरान को पढ़ने को भी लिए पढ़ने के लिए भी नहीं दिया और आगे बताया कि उस दरबारियों ने अपने क्यामत संबंधी संदेश को भी नहीं माना है क्यों नहीं माना कि धन धन सम हम सबको पीछे उनके मन में हमारा भाषा उगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे इसलिए नहीं माना सुंदर शाह जी कि हमको हम, हम हिंदू वेश से उतार कर हम मुसलमान वेश धारण करके गए थे तो उसको एक संशय बना अंदर एक भ्रांतियाँ बन गई दरबारी लोगों के अंदर मन में और बादशाह के मन में भी बन गई दरबारी लोगों ने बादशाह को भड़काया क्या भड़काया कि भाई कदाचित ये हिंदू वेश में वेश उतार कर मुस्लिम वेश में हमारे पास आए दरबार में तो क्या करेंगे कदाचित ये हमारे दुश्मन बनकर भी आए हो और हम मार भी देंगे तो आप एकांत में बैठकर बादशाह बात मत करना क्या बताया एकांत में बैठकर बादशाह बात मत करना तो उसको थोड़ा डरा दिया उसको भड़का दिया तो इसलिए भी बादशाह ने हमारी बात को नहीं माना है लेकिन सुंदर शाह जी आपसे आपको उस बातों से दुखी नहीं होना है तब तो चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाए यहाँ फिर सुंदर साथ अपनी ओर से बोल रहे कि धाम धनी वैसे तो भले हमारी बात को तो नहीं माना लेकिन उसने जो हमारे पर एक चौकी पहरा रखा था आसपास ये चौकी भी उठाई ली है और हमारी बात को भी वो सुन रहे हवेली का हुक्म हुआ और इतना ही नहीं पास में एक हवेली भी हमको दे दी है इनो दिए बैठाए और हमको वहाँ शांति से हम चैन पूर्वक रह रहे, रहे हमारी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कोतवाल उसको भी भया है कागज़ सब सुल्तान मंगाए अपने पास जमा किए अपने और कोतवाल सो भी भया है कागज़ सब सुल्तान और कोतवाल ने भी सिद्दीक पोलाद ने भी ये कागज़ बादशाह तक पहुंचाया है इतना नहीं मंगाए अपने पास और अपने पास मंगा के सब कुछ हकीकत उसने जानी है अब तो हम जाहिर लश्कर इमाम थाना थिर कर बैठे एते दिन छाना करते काम अब तो हम जाहिर मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अब तक आप क्या कर रहे थे बादशाह से डरते थे छुप छुप के काम करते थे छिप छिप के काम करते थे आप तो अब उसके दरबार में जाहिर हो गए हो आपने उसके दरबार में थाना थाप दिया है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है सुल्तान की जान में वही बैठो जाहिर अब तो हमको लखे लिख के बाहर सुल्तान की जाहिर में आपको अभी सुल्तान का कोई डर रहा नहीं है या मोमिन भी सामने एक पत्र में लिखते हैं कि नहीं हम सुल्तान की जाहिर में बैठे अभी सुल्तान का हमारे पर कोई डर बस बसा नहीं है औरों के कहने की पाती का ये जो हुआ अब जो ये तुम्हारे कहने का ये करने का हो फिर यहाँ बताया कि तुम सुंदर जी डरना मत आप क्या करो आप और सुंदर साथ क्या क्या यहाँ सब सबका नाम बताए सिद्धपुर मेरता नौतनपुरी पोरबंदर सूरत उदयपुर सब जगह पत्री लिखो और पत्री में ये लिख के भेजो कि भाई ये काम करने का है ये कहने की बात नहीं है हमने ये औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाके हम ये काम करके दिखाए हैं ये पत्र लिखने में भी आप संकोच मत करना जैसे तुम आपो तैसा फुरमाया धाम तैसे भारी ओ जियो तैसे की जो काम जैसे तुम आपो आपकी जितनी बड़ी बुजुर्गी है ने, वैसे भारी बनकर वहां रहना है ऐसे हल्का बनकर नहीं रहना है मतलब आपको कोई शर्मा करने की या कोई अंदर से लाज मर्यादा रखने की जरूरत नहीं है जैसा फुर तैसा तो फुरमा या धाम और तुम्हारा धाम भी कितना ऊंचा है दिव्य परम दामे अर अजीम अजिम ते तैसे भारी हो जियो जिस घर के बराबरी के तुमको शोभा जो मिली है ऐसा भारी बनकर वहां रहना तैसे की जो काम और काम भी वैसे वैसे, वैसे वहां करना है हो तुम जान सिरो मन तो तुम साथ सिरो समस्त तुम बुद्धवान बची सिन तुम पे बड़ी वस्त तुम हो जान सिरो मन क्या बताया तुम तो सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो तुम साथ समस्त सब सुंदर साथ के तुम बुद्धवान वचिक्षिन्न क्या बताया फिर ये बात बार बार दोहरा छोटी पत्री में भी बताया कि तुम तो वचिक्षि हो चतुर हो, होशियार हो तुम पे बड़ी वस्तु तुम्हारे पास क्या धन है ये संसार का मायावी तुच्छ धन नहीं है तुम्हारे पास तो अखंड अवलौकिक धन है अखंड अवलौकिक वस्त है सो भी कारज कारण जान परत आगे ना तो हमारा जाना न होए सो जानो तुम्हें ये हम तो बेख बदल के पेठे बीच दरबार सो उल्टो सीधा करने तरफ परवर्दी गार हम तो बेख बदल के हमने बेख बदल के बादशाह के दरबार में प्रवेश किया लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आगे बताया अब तो तुम केसरी सिंह हो क्या बताया अब तो तुम केसरी सिंह हो एक जगह धाम धनी वाणी में यह भी कहेंगे कि बकरी जेता बल मतलब बकरी जेती तुम्हारी अंदर विनम्रता शालीनता भी है विनम्रता भी, भी है तुम्हारे अंदर गरीबाई भी है तुम्हारे अंदर विवेक है तुम्हारे अंदर सील है धैर्य है संतोष है यहाँ फिर क्या बताया तुम तो केसरी सिंह हो ऊपर पहनी पाखर काहु मुल्ला मुला जा जिन करो काशिद को भेजो आखर अब तो तुम केसरी सिंह हो तुम तो केसरी सिंह की तरह बलवान हो तुमको डरने की जरूरत ऊपर पहनी पाखर जैसे एक कोई लड़ने के लिए योद्धा जाता तो एक पाखर पहनता कवच पहनता ऊपर वैसे एक सिंह एक हाथी पर भी एक जो पाखर रहती वैसे भी तुमने अपने ईमान और इश्क की ईमान और इसकी पाखर पहनी है हमारी कितनी पंखे हैं सुंदर सा जी दो कितनी पंखे हैं हमारी पाख कितनी है दो एक इश्क और एक ईमान जो इश्क नहीं है तो भी एक पंख टूट जाती पक्षी की तो क्या उड़ पाते पंखी नहीं उड़ पाते ने तो दोनों पंख होती तभी उड़ पाते ने तो यहां बताया कि तुम्हारे अंदर कुट, -कुट कर इश्क भरा है कुट कुट कर आकिन से तुम तुम खड़े हो तो तुमको डरने की तुम्हारे पास दोनों पंख है ऐसा तुमने कवच धारण किया है जो जैसा वो तैसा तीनी लिखियो तुम कलाम जो आगे आगिन के मोम पिघलत तमाम जो जैसा तैसी तीनों लिखियो तुम कलाम जैसा है वैसे ही मैंने तुमको कलाम अपने हस्त लिखित सुंदर साहद जी श्री जी ने क्या किया अपने हस्तों से मतलब अपने हाथों से ये कलाम लिखे है और दयाराम के भाइयों ने एक महत्व की बात है जी और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार बातें उन भाते करी ताय हम रुपया देवे चार हजार जो दयाराम भाई ने बारह मोमिनों में एक दयाराम भाई है उसके भाई ने दरबार में आके क्या बात रखी कि भाई तो हमारे हमारे दयाराम को मार दोगे ने तो हम आपको चार हजार रुपये देंगे क्यों कि हमारे दयाराम ने आज हिंदू में से परिवर्तन करके मुस्लिम बनकर बैठ गए और इतना ही नहीं दरबार में चुनौती के सा नहीं सरियत के सामने चुनौती देने के लिए वो तैयार हो गए देखो आज हिंदू के सामने हमारी लाज मर्यादा क्या रहेगी उसने तो हमारी लाज मर्यादा को हो मर्यादा को भी धूल में मिला दिया मिट्टी में मिला दिया तो आप ऐसा करो दया को मार दो तो तीस वास्ते इनको गोविंद भेड़े की निस्वत इसलिए सुंदरसाद जी आपको एक जुट बन बनकर रहना है आपको संगठन बनाकर रहना है आपको एकता बना कर रहना है क्योंकि ये पूरी गोविंद भेड़ा मंडल की ये नगरी है कैसी है जैसे गोविंद पटेल नामक एक भूत पटेल थे ना सुंदरसाज जी उसने कैसे सबको आकर्षण के लिए एक नगरी बनाई थी वहाँ तीन साधु की बात है न जैसे तीन साधु गए तो जो जीव ईश्वरी ब्रह्म की बात है उसमें जो जीव सृष्टि के साधु थे उसने पूरी माया नगरी में वो खो गए दूसरे थे उसने देखा तो सही टच भी किया लेकिन फिर वहाँ से चल पड़े लेकिन जो तीसरे थे वो तो कौन थी ब्रह्म सृष्टि तो उसने उसकी ओर देखा भी नहीं तो ये गोविंद भेड़ा की जो ये नगरी बनी है वो लोगों का तो ऐसे ही माया का रिश्ता है वैसे ही ये परिवार में फंसे हुए है ये बंधन में फंसे हुए वो लोगों को पार की शुद्धि नहीं है तो आपको थोड़ा देख के रहना है क्योंकि दयाराम राम भर भाई पर ऐसी बात उठी है तुम तो साथ मिन सिरदार छाती काट के कहे सुकन वेद बंद की मर ताको सिर भाना मोमिन तुम साथ में सिरदार तुम सब साथ में सिरोमणि हो छाती काट के कहे सुकन सुंदर क्या बताया? तुम सीने निकाल कर, जरा भी डरना नहीं, सबको मोह पर साफ साफ बोल देना चाहिए क्योंकि आपने करके दिखाया है कह के नहीं करके दिखाया है तीन तो साथ में से रहियो एक जागा के वेद बंद की मर्यादा तुमने जो वेद और जो शास्त्रों में जो मर्यादा लिखी थी वो भी तोड़ दी है आपने क्योंकि यहाँ जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रखना है सब एक मैंने पहले भी देखा था ना कि सब के अंदर एक ही आत्मा को देखना है ताका सिर भाना मोमिन हे सुंदर साह जी तुमने तो ये जो यहाँ की मर्यादा के तुमने ठोकर लगाकर अपना सिर कटवा दिया है मतलब मर्यादा और इज्जत की आपको कोई नहीं है बस आपको तो धाम धनी की लगी है यहाँ बताया कि लोग मर्जादा छोड़ के मोर्चा ढाया मीने पेठे, तीन साथ में से रहियो एक जागा के लोक मर्जादा छोड़ के मोर्चा ढाया मीने पेठे। तुमने लोक मर्यादा छोड़कर ये मोर्चा ढाया है और तीन साथ में से रहियो एक जागा के तुम सब साथ में एक संगठन एकजुट बनकर रहना है तीस वास्ते ये भोम है हाँसी का ठोर कोई नोवे जागृत बिना हुक्म कोई ठोर तीस वास्ते ये सुंदर ये बड़ी पत्री और छोटी पत्री ये लिखकर आपको सावचेत किया है आपको अलर्ट किया है आपको सावधान किया है कि यहाँ कोई हांसी से बचा नहीं है जानो यार या सिरदार बताया ने हाँ से बिना कोई न रहिया ये या यारिया सिरदार ये या जगह कैसी है साथ जी चेतियो यहाँ सी का है ठोर साथ जी चेतियो यहाँ सी का है आप वतन मोहे जिन भूलो आपवतन जिन भूलो कहां देखत हो ओर सा हाँसी का है ठोर क्या बताया तीस वास्ते भो में हाँसी का ठोर मैं पहले से मूल मिलावे भी आपको सावचेत किया था जब हमारा रबद हुआ ने जब हमारा इस करबद हुआ तभी बताया था कि सुंदर सात जी ये अंधेर का खेले वहाँ जाप क्या जाके आप मोहे भूल जाओगी घर को भूल जाओगी इतना ही नहीं स्वयं आपके अपना निजी स्वरूप को भी भूल जाओगी और आपकी हाँसी होगी तो यहाँ सुंदर साथ ने बड़े बड़े दावे किए थे न मुल मिला में कि नहीं धामदनी एक बार नहीं सोबे देखो अजमाई के ऐसी मोमी न करे कोय तो यहाँ बताया था कि यह हंसी का ठिकाना है वहाँ सबकी कोई लड़थड़े लड़थड़ेगी कोई पड़ेगी कोई उठेगी कलश में क्या बताया कोई ऐसी करेगी भाई कोई उठ के कोई दूसरे की उठाएगी लेकिन वो भी फिर लड़थड़ के नीचे गिर जाएगी ऐसी यहाँ ऐसा ठोरे एक को लगेगा कि नहीं 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 मैंने तो बहुत कुछ जान लिया ले लो वो उसको मैं उठा दू ठीक है लेकिन फिर उसको उठाने के लिए वो जब खड़ी होगी ना फिर वो भी फिर गिरेगी सुंदर जी यहाँ क्या बताए जब तक धाम धनी का हुक्म नहीं होगा तब तक यहाँ कोई जागृत नहीं होगे क्यों नहीं होगे इसलिए खिलवत में बताया धनी में तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत खेल भी आप देखावत बल मेरो कछु न चलत ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम अब के से ज करू कहो गे मांगिया तुम क्या बताया धनी मैं तो सोती नींद में बताया था कि वहां जाके सब सो जाओगी कैसे सो जाओगी बारह घंटे की नींद नहीं बहुत जन्मों जन्मों की नींद है ये तो अज्ञानता रूपी निंद में सो जाओगी इतना नहीं मैं आऊँगा तुम्हें जगाऊँगा तुम मेरी मानोगी एक भी मानोगी एक भी सुकन मेरा नहीं मानोगी धर्मशास्त्रों में साक्षियाँ लिखाऊंगा तो भी नहीं मानोगी स्वयं मैं आऊँगा इतना नहीं मेरी श्यामा जी आएगी और ये भी रो रो के खिज के ऐसे कट कहीं कठोर वचन भी कहेगी कहीं खड़नी के वचन कहेगी तुम सुनती होगी तब तक, तक, तक तो चटाई पर हंस रोती रहोगी लेकिन फिर बाहर दरवाजे के बाहर जाओगी फिर क्या होगी तुम्हारी हंसी होगी मतलब वहां जाके फिर ईमान टूट जाएगा किसको कह रहे हैं सुंदर साहद जी हमको कह रहे हैं, यहां सब सोए हैं। सुई सुई ने सुता कहां करो जी इन विषम ठेकाना माहे जी इन भोम में कोई न उगरिया तुम्हें तुम सुते ये ठेकाने जी आप घर ने ईत साथ जी चौदह भवन में क्या ही जी ता कारण पीयू जी करे रे पुकार तुम क्यों सुते इत जी क्या बताया अरे चौदह भवन में हमारा घर कहीं भी नहीं हमारा घर कहां है सुंदर शाह जी क्या यह सरसावा में है क्या राजकोट में है क्या नेपाल काठमांडू दार्जिलिंग में है क्या आसम सुकलाई में है क्या भाई सिक्किम में है क्या हमारा घर कहाँ है हमारा घर हम किसी को पूछे कि भाई आपका घर कहाँ है तो कोई बताएगा भाई गुजरात है कोई बताएगा यूपी कोई बताएगा नेपाल है कोई दार्जिलिंग सिक्किम है कोई एमपी कुछ भी पंजाब हरियाणा कोई ऐसा कहेगा कि हमारा घर परमधाम है बताएगा क्या कि हम ही सोए पड़े हैं तो कैसे बताएंगे गम हम? हमारा घर परम हाँ कदाच इससे कोई आगे बताएगा नहीं गुजरात में भी हमारा प्रांत जो है गुजरात उसमें भी हमारा राजकोट और राजकोट में हम इस एरिया में ये बस सब बता देंगे लेकिन हमारा अंदर का एड्रेस हमारा मूल घर का सरना पता हम कोई दे नहीं पाएंगे कोई सीधी जल्दी से कोई पूछ ले तो हम कोई बोले भाई तुम कहाँ से आए तो कोई बोलेगे हम यहाँ से आए कोई बोलेंगे हम यहाँ से आए कोई बोलेगे कि बोले हम परमधाम से आए कोई बोलेंगे सीधे सीधे यह जवाब आता क्या हमारे अंदर क्या हम परम धाम से आए धाम धनी ने क्या बताया सुंदर शाह हो श्यामा जी भी नींद में है जब भेजा तभी तो श्यामा जी भी श्यामा जी भी कब जगी ईसा पातशाही बरस चालीस उसकी पातशाही का पूर्ण पहचान हाँ श्यामा जी को पहचान तीसरे दर्शन में श्याम जी मंदिर में कांजी भट के वहां पहचान तो करवाई उसके बाद भी धाम ब्रजरास राम की चर्चा चली लेकिन पूर्ण पहचान कब हुई तो बताया कि सत्रह सौ सुंदरसाज जी सत्रह सौ पैंतीस से लेकर सत्रह सौ पैंतालीस तक दस ये और पैंतालीस से पचहत्तर तक का तीस बारहवीं सदी के ग्यारहवीं सदी के दस और बारहवीं सदी के अगले तीस तो चालीस साल जब ये पूरा हुआ तब श्यामा जी की आत्मा को पूर्ण पहचान हुई यहां बताया कि सुंदरसा जी सब सोए हैं और और तो आगे बताया रात पड़े त्यारे कोई ना जागे कोई न करे पुकार निंद्रा जोर थसे त्यारे वाद से विस्तार तो यहाँ बताया सुंदर शाह जी कि हम सब अज्ञानता रूपी नींद में सोए जो जगेगे जिसकी चा, वो जो जगेगे वो अपनी चादर उठाएंगे और और दूसरे की चादर उठाएंगे ने सब सोए और हमारी खिड़की भी बंद है तो अंदर सूर्य का वैसे प्रकाश भी अंदर नहीं आ रहा है तो 10 बजने के बाद भी हम क्या सोचेंगे भाई अभी सूर्य उदय अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है लेकिन सूर्य उदय होना मतलब उजाला हो जाना सुंदर शाह जी मोहम्मद साहब को बीज का चांद कहा गया सदगुरु धनी देवचंद्र जी को पूनम का चांद कहा गया ठीक है उसको एक उजाला पांव सूज उजाला बोला और सिप्रान्ना जी मतलब मिराट ठाकुर में जो इंद्रावती की लीला हुई सिप्रान्ना जी आए तो दोपहर का सूरज कहा गया और एक दिन मैं ध्यान से उठी तो पता नहीं एक दिन ऐसे विचार आया कि प्रान्ना जी को दोपहर का सूरज का कोई बात मैं पाँच मिनट लेती हूँ बस सभी ख़त्म कर रही हूँ ठीक है एक बात उठी है अंदर तो मेरे को अंदर एक विचार आया कि प्राण्णा जी दिन का दोपहर का उजाला ले क्या है न एक, एक छोटे से एक नीचे कोई भी चीज़ पड़ी हो तो भी उजाले में हमको दिखाई दे ठीक है इतनी छोटी सी एक कंकरी भी दिखाई दे ऐसा उजाला लेकर प्राणनाथ जी दोपहर के सूरज बनकर आए न मैंने सोचा कि धामधनी ने प्रकाश ग्रंथ में एक दिन ध्यान से उठी तो ऐसी सीधे विचार आए कि धामधनी ने प्रकाश में लिखा है कि संध्या समय लगे धनी सात कारण रहसी पीछे कोई ना करे पुकार जी तो बारह बजे के बाद का जो छः बजे संध्या समय का शुरू हो जाता है न सूर्यास्त का आ, समय शुरू हो जाता ठीक है छः बजे के बाद रात का समय गिना जाता तो मैंने सोचा कि बारह से छः बजे के बीच का समय तो ब्रह्मात्माओं का है छठे दिन का तो हमारे अंदर तो और कितना उजाला होना चाहिए मैं बहुत गहरी बात कह रही हूं समझ में आ रहा है बारह से छे बजे का समय हमको दिया है इतना उजाला करने के बाद बजे बजे तक, के बाद सूर्यास्त होने वाला है तो तब तक तो आप और उजाला करो और यह प्रकाश को फैलाओ और संसार में ज्ञान को फैलाओ तो आपके अंदर तो जो प्राणनाथ जी ने उजाला तो कर दिया लेकिन छठा दिन किसका है हमारा तो बारह से छे का दिन किसका है हमारा भी तो दूसरा दिन लग जाएगा ना तो बार से छह बजे के बीच में क्या करना है सुंदर सा जी और आगे की शोभा दी है पता नहीं मैं जीव को इतना अंदर कोसा मतलब बहुत दुखी हुई कि धाम धनी और आगे क्या करूं मैं क्या करना है संसार में और आगे क्या करना है सबको मेरे को ये विचार आते आते मतलब अंदर से अंदर मैं सोचती रही तो यहाँ ये बताया कि कोई न वो जागरुत भी ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और लेकिन जब तक धामधनी का हुक्म नहीं होगा तब तक कोई जागृत नहीं होगे और अंतिम चौपाई दोहरा के सुंदर सा जिया धामधनी ये पत्रिक को ख़त्म करे सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती सुख समाधान आनंद की यहाँ धामधनी ने सुख समाधान आनंद की पत्री लिखते हुए सब सुंदर साथ को सुंदर साहद जी आनंद मंगल में रहना और इतना ही नहीं धनी की छत्र साए में रहना और लालबाई को बोला कि लाल बाई आपके समर्पण को लालदासी को तो सुंदर साहद जी वो अपना एक सानिध्य दे ही दिया लालबाई को बोला कि लाल बाई तुम तुम्हारी बेटी श्याम बाई और जमाई दामाद राम राम राय सब चले हो लेकिन हे लाल तुम्हारे समर्पण को धन्य धन्य है आपने साथ निभाया अनंत राम शेख बदल सब को धन्य धन्य कहा और अंतिम में बताया कि लिखते पाती सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती सब साथ को इंद्रावती की आत्मा प्रणाम के रही है और लाल भाई को धन्य धन्य के रही है महामद कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत अब मुकदमा कहो फरदा रोज क्या मत तो महामति यहाँ कह रहे हैं कि हे सुंदर सा जी मैंने आपको बड़ी पत्री और छोटी पत्री में जो जो हकीकत धामधनी के हुक्म से फरमाई थी वो मैंने आपको दो दिनों में ये पत्री के माध्यम से ये शिक्षा दी है और ये सिखापन दी है कि कैसे कैसे ये शरीयती ये कर्मकांडी लोगों के बीच में आपको कैसे लड़ना है कैसे रहना है और ये ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार कैसे करना है ये ज्ञान को संसार में कैसे फैलाना है ये सीख दे के और, और आगे हम कल सुंदर शाह जी आज उदयपुर का प्रसंग तो थोड़ा कुछ लेना था लेकिन धामधनी ने फिर अंदर से आदेश दिया कि नहीं पत्री की बात आप विस्तार से ले लो कोई बात नहीं धामधनी की कृपा से गुरुवार का प्रसंग सुंदरशाह जी जो छत्रसाल जी का मिलाफ है ये हो जाएगा लेकिन आज धाम धनी की प्रेरणा हुई कि नहीं जो सुख को आप लेकर आगे चल रही हो जो बातों को लेकर आप आगे चल रही हो वही बातों में आज डूबोना है तो फिर मैंने सोचा कि उदयपुर का प्रसंग में थोड़ा कुछ लूंगी तो भी बीच में छोड़ना पड़ेगा तो ये प्रसंग वहाँ से कल का टूट जाएगा तो आज हमने इसलिए उदयपुर का प्रसंग नहीं लिया है कल उदयपुर का प्रसंग के बाद कल मंदसौर का रोटी के टुकड़े का प्रसंग भी कल आएगा तो जो जो सुंदर साथ को इच्छा हो चाहे रोटी सब्जी पराठे थेपले जो भी कुछ आपकी इच्छा मिठाई जो व्यंजन बनाने की हो ये कल हम मंद उदयपुर और उदयपुर से होते मंदसुर जाएंगे तो ये कल हम विस्तार से लेंगे इतना के वाणी को विराम देंगे बोलिए श्री प्राणनाथ, सी, सी सतगुरु छुपाए दो महामती कहे ये मोमिनो ए पाती की हकीकत अब मुकदमा कहो फरदा रोज क्या मात फरदारोज क्या मात बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾ ਜਨਾ